गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल चेरी लिटिल थिंग्स एंड साक्षी नागर व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 9। आज थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, तो अभी कबीर और हमारा सो रहे हैं। हेलो, से हेलो, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं आज के व्लॉग में क्या करते हैं क्या नहीं। सोच रही हूँ कि आज कुछ इंटरेस्टिंग ही करें। आज हम चलेंगे मॉल। सच्ची? झूठ नहीं, सच्ची। तो आज हम जाएंगे मॉल, देखते हैं कुछ ट्राई करके घूम के आएंगे आज कहीं। और झूले भी झूलेंगे हम। 100-100 रुपए के सारे झूले। 100-100 रुपए में सारे झूले झूलेंगे हम, हैं? 100-100 रुपए में सारे झूले झूलेंगे हम। 500-500 रुपए मिक्की माउस वाला झूला भी झूलेंगे हम। अभी करना है रूम क्लीन। कल जो कपड़े धोए थे उनकी करनी है तय। उनको रखना है फोल्ड करके। खाना मतलब मैं सोचती हूँ क्या है कि मैं उठती हूँ सुबह 6:30 बजे और मुझे 7:30 तक टिफ़िन और नाश्ता दोनों बनाने होते, तो उस टाइम मैं शूट करने के मूड में ही नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं थकी इतनी रहती हूँ कि मैं सोचती हूँ शूट करूँ, वो मुझसे हो नहीं पाता है। तो इसलिए वो ऑफिस जा चुके हैं। मैंने बनाया था मिक्स वेज और पराठा फॉर लंच और पराठे, और मैंने बनाए थे गोभी और मूली के पराठे मिक्स। खाने तुम दोनों को? कौन कौन नाश्ता करेगा ऊपर? मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना भूले। थैंक यू। तो चलिए जी गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर दी है, देखते हैं आगे क्या करेंगे। बैक टू विंटर्स कम्फी क्लॉथ्स। 2 दिन से मैंने विंटर के कपड़े नहीं पहने और मुझे हो गया है फीवर, मुझे लग गई है ठंड। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। रूम मेरा क्लीन हो चुका है, अभी डस्टिंग बाकी है। तो डस्टिंग से पहले मैं सोची थी क्यों ना आपको अमायरा के वार्डरोब का छोटा सा टूर करा दूं। यस बेटा, ये वर्ड्स है बेटा। तो ये है अमायरा का वार्ड, ये है अमायरा का वार्डरोब। अभी मैं बैठ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं कुछ बेसिक सी बास्केट्स जो मैंने डी मार्ट के बाहर एक लोकल शॉप थी वहाँ से ली थी।
तो ये डी मार्ट के बाहर से ली थी, ये शायद 100-200 रुपीज़ की थी। तो इसमें मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स चीज़ दिखा दूँ। नीचे सारे ये मेरे नाइट वियर हैं, जो मेरे लोअर और बेसिक टी शर्ट्स हैं ये वो हैं, और अभी ये ख़राब भी हो रही है तो इसको मेरे को मेकओवर भी करना है। मुझे मंगाना है स्टिकर, फिर इसको मैं उस स्टिकर को उसके यहाँ पे इसके छोटे छोटे बैग्स के लिए मैंने ये कमांड हुक टांगे हुए हैं, ये भी डी मार्ट से पाउच में मिलते हैं। ये हैं उसके सारे नाइट वियर्स, तो जो भी मुझे लेना होता है इजिली मैं वन बाई वन करके निकाल लेती हूँ। इधर उसकी सारी हाफ और फुल टी शर्ट्स, ये हैं सारी हाफ और स्लीव्स, ये हैं पूरी फुल स्लीव्स, ये हैं उसकी सारी लेगिंग्स, ये हैं उसके सारे शॉर्ट्स, और इसमें हैं सारे उसके फ्रॉक जीन्स और जो भी उसकी थोड़ी बहुत ड्रेसेस हैं वो। उसके नए कपड़े मैं ठाके रखती हूँ जो रेड बास्केट ऊपर रखी हुई थी उसमें। और ये सारा मेरा नाइट वियर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये ख़राब है, इसको अभी ठीक करना है। इधर रखे हैं सारे लड्डू गोपाल जी वाले कपड़े, और यहाँ पे रखी है उसकी यूनिफॉर्म और एक हैंकी। तो ये है उसकी छोटी सी अलमीरा, बेसिकली एक शू रैक है जिसको मैंने मायरा के वार्डरोब से कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें 3 स्लीव्स है, अगर सेकंड बेबी भी होता है उसके लिए भी एक स्लीव्स का स्पेस मिल जाएगा। कभी शिफ्ट करेंगे या कोई जैसा भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फिर हम नया कबर्ड लेंगे या नया स्पेस बनवाएंगे। तो ये है मायरा की बेसिक सी अलमारी, और अभी ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ टाइम पास कर रही है। ओके, नहीं सीरियस पढ़ रही है ये। और कुछ ऐसी बेसिक सी बुक्स हैं जो मैंने इसके लिए ली हुई है, 49 रुपीज़ की हैं, ऑफ़र में थी ये 5-6 की है। तो बस टाइम पास में ये इनको फिज़िकली मतलब एक्टिविटीज़ करती रहती है। ये 5-6 की है, ग्रामर्स हैं इसमें सारे, वर्ड्स हैं के वर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये मैथ्स की है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर है 1-10, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, और ये हिंदी की मात्राएं और वाक्य मतलब सेंटेंसेस और उसके लिए हैं। तो आपको नहीं पता तो ये पढ़ रही है अभी, और कुछ नहीं है इसका। इधर इसी का है ये, ये इसी का अलमीरा है, मतलब सॉरी इसका स्टडी टेबल है, और इसमें इसके कलर्स क्रायोन्स। पहले इसमें मैं अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करती थी, बट अब सारा चीज़ें मैंने इसमें इसकी ऑर्गेनाइज़ की है। तो रूम मेरा हो चुका है, डस्टिंग करनी है, डस्टिंग मैं 5 मिनट में कर दूँगी। तो मैं जस्ट नहा के अभी पूजा करके किचन क्लीन करके जस्ट अभी बैठी हूँ, अभी फ्री हुई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ आज के व्लॉग में क्या करूँ। एक तो मैंने मायरा की अलमीरा आपको दिखाई थी, फिर एक वीडियो मैं बहुत टाइम से शूट करने की सोच रही थी, तो सोची थी क्यों ना मैं उसको व्लॉग में ही दिखा देती हूँ, व्लॉग भी हो जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिगनर्स का जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसमें उन्हें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और क्या कैसे। देखो एप्लीकेशंस बहुत सिंपल होती है, वो और व्लॉग में भी दिखा दूँगी, बट प्रोडक्ट्स इन डिटेल्स दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बिगनर्स मेकअप किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बिगनर मेकअप किट में होते हैं। स्टार्ट विद बेसिक, एक हेयर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि अपने हेयर्स को टाई कर सकें। देन फिर पड़ेगी सेकेंड चाहिए हमें एक टोनर। टोनर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, तो आप देख सकते हैं हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है। तो यह है क्लेंस मॉइस्चर रिफ्रेश करता है, ये 3-in-1 है। तो सेकेंड हम यूज़ करेंगे ये। थर्ड ज़रूरत पड़ेगी हमें हैंड्स पे अप्लाई करने के लिए मॉइस्चराइज़र आप ये यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अप्लाई करने के बाद जो आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको यूज़ करेंगे सीरम। तो ये है प्राइमर जेल आप बोल सकते हैं, ये फेस के लिए सीरम है। तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, ये आपके बेस को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके बाद आप यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये प्योर रेफिनायर का सेटिन स्मूथ बेस, बहुत अच्छा बेस क्रिएट करके आपको देगा। तो थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया। तो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एज अ कंसीलर, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट, मुझे तीनों चीज़ में यही चाहिए। मेरा शेड है नॉर्मल टू मीडियम, मैं यही ये यूज़ करती हूँ बेस बनाने में। तो मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ करती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को ब्लेमिशेस वगैरह या जहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं सारा बेस को लगाने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अपने उस सारे ही कंसीलर के लगाने के बाद ये फेस वॉश में, ये फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, और इसका शेड है 230। ये मेरी थर्ड बोतल होगी आई थिंक। नेचुरल इसका जो शेड है उसका नाम है नेचुरल बव, बहुत अच्छा शेड है ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो मैं बेस लगाती हूँ, बेस लगाने के बाद इन सबको लगाने के बाद हम सेट करते हैं अपना, इसका मिरर कहाँ गया, इसका मिरर शायद टूट गया।
तो ये वाला कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, शेड भी आप देख सकते हैं, ये है 450 का। तो जितने अच्छे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद जब आता है बारी सेट करने की, कॉम्पैक्ट सेट करने के बाद फिर हम यूज़ करते हैं आई शेडो पैलेट, आई शेडो पे कलर्स लगाने के लिए एक ही पैलेट है मेरे पास, ये है रेवोल्यूशन का, बहुत अच्छा है, सारे शेड्स हैं इसमें, स्मोकी आई लाइट लुक कोई भी लुक आप इस पर क्रिएट कर सकते हो। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ आई शेडो पैलेट। फिर मैं यूज़ करती हूँ ये ब्लशर, मेरा ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ये है ड्रीम टच का ब्लश, मेबलिन का है ये। फिर इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर है मेरा ये मेबलिन का, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। फिर मैं यूज़ करती हूँ ये NYB का कंटूरिंग स्टिक, ये है मेरे बेसिक ब्लेंडर्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ, एक तो मेरा ख़राब भी हो गया है, तो ये है बेसिक ब्लेंडर्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये है आईलैश कर्लर जिससे मैं अपने आईलैश को कर्लर करती हूँ। मस्कारा मेरा अभी बहुत ड्राई और ख़त्म हो चुका है, मैं आप हमेशा यही यूज़ करती हूँ स्टे क्यूरकी का आईलाइनर। और उसके बाद ये भी इमरजेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी अपने अपर लिप्स या आईब्रो को थोड़ा शेप दे सकें। और ये सारा हो गया बेसिक चीज़ें, अब आते हैं हम थोड़ा लिप शेड्स वगैरह पे। आप भी कुछ इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं, ये है कुछ पेंसिल्स, ये है स्टे क्यूरकी का आईलाइनर काजल, ये थोड़े लिप शेड्स हैं आप देख सकते हैं। मेरे पास बहुत ही बेसिक सी लिपस्टिक्स हैं, ये जितनी भी हैं बेसिक से लिपस्टिक्स हैं, ये लिप पेंसिल है, ये सिंदूर है, न्यूड शेड्स भी हैं ठीक है जैसे भी हैं, ये लिपस्टिक है, ये शायद ख़राब भी हो गई, इसकी कैप हटी हुई है ये रहा। और ये मैं यूज़ करती हूँ जेल आईलाइनर, ये है कलर सेंस का, आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास कलर सेंस के हैं। ये बेसिक आईलाइनर है, ये सबके पास होगा, 150 की रेंज में आ जाता है। ये है मेकअप फिक्सर NYB का, अभी ख़त्म हो गया है बट मैं यही यूज़ करती थी, अदरवाइज़ इसकी जगह मैं गुलाब जल से भी काम चला लेती हूँ। यह है न्यूड लिप शेड, तो ये हो गया बेसिक सामान। सो जब मैंने मेकअप की स्टार्टिंग की थी तो बोलते हैं कि अच्छे ब्रश में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मेकअप होता है, तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रश का सेट लिया था, ये शायद मेरे को 1500 to 1600 में पड़े थे। ये आपका बेस लगाने के लिए, ये ब्लशर के लिए, ये ब्लेंडिंग के लिए, ये एक फ्लफ़ी ब्रश था, और एक ये स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए होता है ना, एक ब्लेंडिंग और एक मतलब ये सारे ब्रश होते हैं, ये फ्लैट ब्रश था, ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये थोड़ा फ्लफ़ी सा ब्रश है, ये ब्लशर ब्रश है, ये सारे 5 बेसिक ब्रशेस मैंने लिए थे जो कि हैं कलर बार के। उसके बाद मैंने ये एक सेट मंगाया था, ये भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं, ये ब्रशेस हैं सारे के सारे अमेजोन से, शायद ये 499 में थे। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं जो बहुत हेल्प करते हैं आई लुक क्रिएट करने में और अपना बेस लगाने में, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को मेकअप में हेल्प करते हैं। अब हम खा रहे हैं खाना, तो हमने बनाया मिक्स वेज, ये है गोभी और मूली की पराठे, और ये है एक सिंपल प्लेन पराठा जो कि अमायरा खाएगी, ये है मेरी चाय और ये है अमायरा की चाय। तो अब हम खा रहे हैं खाना, हाँ हाँ जेड एम ए टू लिखा होगा ना, जोमेटो, यस भैया यहीं इधर इधर जोमेटो, बस यहीं पे मैकडी मैकडोनल्ड्स, हाँ भैया कभी ले लो ऑर्डर, ले ऑर्डर, थैंक यू। मैं ढंग से खाओ फटाफट, निकाल।
सो अभी माया शांत बेटा, तो अभी बजे रात के 9। अभी मैंने ना शाम का व्लॉग भी शूट किया था, बट मैं सोच रही हूँ मैं उसको इवनिंग रूटीन करके एडिट करके डाल दूंगी, क्योंकि इस वाले व्लॉग में मैंने आपको पूरा मेकअप दिखाया है, तो इसलिए इस व्लॉग में मैं उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। वो मैं अपना पार्ट 2 में वो इवनिंग रूटीन डाल दूंगी। तो अभी मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड, और उसको मैं दूसरे व्लॉग को एडिट करके डालूंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स या आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट, लव यू।